हेलो फ्रेंड्स, ये दूसरी एक कलर की बहुत ही इजी और यूनिक सी डिज़ाइन है और सिंपल भी है। ये जेंट स्वेटर में बहुत ही प्यारी लगती है। ये लाइट कलर में ज़्यादा सुंदर दिखती है और दिखाई भी देती है। इसे बनाने के लिए 6 के मल्टीपल फंदे और प्लस एक फंदा एडिशनल आप ले सकते हैं, ये लास्ट और फर्स्ट वाले के हिसाब से। और इसको इस पर्टिकुलर इस पीस को बनाने के लिए मैंने 19 फंदे डाले हैं। और इसको बनाने के लिए जब 19 फंदे डाल के पहली सिलाई पूरी सीधी बुन लें, उल्टी सिलाई भी पूरी उल्टी बुन लें, और जब आप राइट साइड में आए, इसका देखिए फ्रंट ऐसे दिखता है और इसका बैक ऐसे दिखता है। फ्रंट देखिए आपको दिख रहा होगा, ये जब पूरे स्वेटर पर पड़ती है तो बहुत ही सोवर सी लगती है। और पहली और पहली सिलाई पूरी सीधी और दूसरी सिलाई पूरी उल्टी बुन के तीसरी सिलाई में जब हम आते हैं तो हम कैसे बुनेंगे। पहला फंदा तो हम इसका फर्स्ट एंड लास्ट उतारना है, एजिंग स्टिच है, एक उतार लेंगे और फिर दो फंदे हमें उल्टे बुनने हैं। दो फंदे उल्टे, एक दो, फिर ऊन पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा। ये देखिए एक बार जैसे यहाँ पे ये जो क्रॉस सा ऊन का ये ऐसे आया है, ये देखिए ये ऐसे लूप सा एक बार जैसे यहाँ पड़ा है तो यहाँ प्लेन है, ये जिगजैग करके ऐसे पड़ा हुआ, ये देखिए जैसे यहाँ पड़ा है तो नेक्स्ट टाइम ये पोर्शन खाली रहेगा, इधर पड़ेगा। फिर उसके बाद अब जैसे इस पोर्शन में पड़ गया है तो ये खाली रहेगा, ये जो खाली वाला है इस पर ये लूप पड़ेंगे। दो फंदा उल्टा, एक फंदा उतार लिया, दो उल्टे एक सीधा। अब इसी को रिपीट करके हम पूरी सिलाई बना लेंगे। दो उल्टे एक सीधा, दो उल्टे एक सीधा, दो उल्टे एक सीधा, दो उल्टे ऊन पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, ऊन आगे, दो फंदे उल्टे और ये लास्ट वाला भी आप उल्टा बुन लें। फिर हम आ गए इसके बैक साइड में पीछे की तरफ। पीछे का पल ऐसा देखिए बिल्कुल प्लेन सा दिखता है। और इसको पहले फंदे को हम उतार लेंगे और उधर दो उल्टे बुने थे तो इस तरफ दो सीधे, एक दो सीधे और एक उल्टा। जो फंदे जैसे दिख रहे हैं आप उसे ऊन पीछे करिए, दो फंदे सीधे, ऊन आगे, एक फंदा उल्टा, ऊन पीछे, दो फंदे सीधे, ऊन आगे, एक उल्टा। उधर दो उल्टे थे तो इस तरफ दो सीधे हो गए, उधर एक सीधा था तो उधर, हाँ उधर एक सीधा था तो इधर एक उल्टा हो गया। ये देखिए दो सीधे, ऊन आगे, एक उल्टा, ये दो सीधा, फिर ये उल्टा, फिर ये दो सीधा, एक लास्ट वाला उल्टा। ये 10 सिलाइयों की डिज़ाइन है। डिज़ाइन सेम है, बस जब इसको चेंज कर देना है और इसे तीसरी सिलाई से रिपीट करते जाएंगे। ये दो सिलाइयाँ हमारी हो गई। अब यहाँ पे हमें पैटर्न अपना, ये हमारी फिफ्थ रो होगी। इसको करने के लिए पहला फंदा तो एज इट इज़ हम उतार लेंगे, जैसे उतारते हैं तो इसे उल्टी डायरेक्शन में ऐसे उतार लेंगे। फिर ये एक उल्टा, ऊन आगे करेंगे, एक उल्टा, और ये तो तीन फंदे हैं, एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा, इनको ऊन आपका आगे ही रहेगा, इनको बिना बुने ही उल्टी डायरेक्शन में ऐसे सिलाई घुसाएंगे, ऐसे नहीं, इस डायरेक्शन में ऐसे सिलाई घुसाएंगे, एक दो और ये तीन, तीन फंदों को हम बिना बुने ही उतार लेंगे। और ये चौथा वाला फंदा आपको दिख रहा होगा, देखिए चौथा वाला फंदा उल्टा है, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए जो ये नीचे लूप्स बन रहे थे ये एक लूप ये बन गया। फिर उसके बाद हम ऊन पीछे करेंगे, ये
एक सीधा और एक उल्टा, फिर ऊन आगे ही रहेगा और तीन फंदे, देखिए एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा, ये तीन फंदे बिना बुने हम उतार लेंगे और चौथा वाला उल्टा, चौथा फंदा हम उल्टा। ये लूप हम बहुत टाइट नहीं करेंगे, थोड़ा लूज़ ही रखेंगे और बहुत लूज़ भी नहीं कि फंसे। और फिर ये ऊन पीछे करेंगे, फिर एक फंदा सीधा, ऊन आगे, एक फंदा उल्टा और ये एक दो तीन, इन तीन फंदों में एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा और फिर चौथा फंदा हम उल्टा बुन लेंगे और पांचवा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए, ये जैसे नीचे ये लूप बने हुए, ये लूप बने, वैसे ये यहाँ पे बन गए। इसे देखिए बहुत ढीला नहीं रखेंगे ना, ये ऐसे, ये जेंट स्वेटर में बहुत ही प्यारा लगता है। अब हम उल्टी तरफ आ गए, उल्टी तरफ हमें रॉन्ग साइड में हमें क्या करना है, पहला फंदा तो हमें ये उतार लेना है, फिर एक उसके बाद वाला फंदा सीधा, फिर यहाँ भी तीन फंदे, ऊन आपका पीछे ही रहेगा, तीन फंदे, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, ये बिना बुने उतार लिया और ये चौथा वाला जो सीधा फंदा है उसको हम सीधा बुन लेंगे। फिर हम चौथा वाला हमने सीधा बुन लिया, फिर हम ऊन आगे करेंगे, एक उल्टा, ऊन पीछे करेंगे, एक सीधा और ऊन को पीछे ही रहने देंगे। और फिर सिलाई हमें, ये देखिए उल्टे, ये नहीं कि सीधा फंदा है तो हम ऐसे घुसाएंगे, इसी तरह डायरेक्शन में घुसाएंगे। ऊन आपका ये पीछे ही है, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, तीन फंदे हमने उतार लिए और ये चौथा वाला जो सीधा फंदा है उसको हम ऐसे बिन लेंगे। फिर ऊन आगे करेंगे, एक उल्टा, ऊन पीछे करेंगे, एक सीधा और ये तीन फंदे, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, ऐसे उतार लेंगे और चौथे वाले सीधे फंदे को बुन लेंगे और ये लास्ट वाला भी सीधा बुन लेंगे। ये देखिए, ये हमारा, अब यहाँ पे देखिए लूप नहीं बना था तो इसके ऊपर लूप बन गया। अब जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हमारा यहाँ पे लूप बनेगा, यहाँ पे ये सीधी बुनाई, ये वाली बुनाई जाएगी। ये हमारा एक बन गया। फिर हम पांचवी और छठी सिलाई, जैसे हमने पहली और दूसरी सिलाई बुनी थी, हम वैसे ही बुनेंगे। पहला फंदा उतारेंगे, दो उल्टे, एक सीधा, 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 दो उल्टे, एक सीधा। फिर ये उल्टी तरफ भी, जैसे हमने अपनी फोर्थ सिलाई बनाई थी, पहला फंदा उतार लेंगे, उधर दो उल्टे थे तो इधर दो सीधे हो जाएंगे, एक दो और एक उल्टा, उधर एक सीधा था, इधर एक उल्टा हो जाएगा, दो सीधे, एक उल्टा, दो सीधे, एक उल्टा, ऊन पीछे, एक दो सीधे, ऊन आगे, एक उल्टा, ऊन पीछे, एक दो सीधे, ऊन आगे, एक उल्टा, ऊन पीछे, एक और दो सीधा और ये लास्ट वाला तो आप चाहे उल्टा बिन लें चाहे सीधा बिन लें। ये हो गया, ये एक जब पूरा हो जाएगा एक लूप तो उसके बाद दो सिलाइयाँ जैसे हमने सेकंड और थर्ड बनाई थी वैसे ही बनाएंगे। फिर ये हमारी सेवेंथ रो है, इसमें भी हम सेम वही चीज़ करेंगे जैसे ये लूप बनाते समय हमने किया था। कैसे, पहला फंदा तो हम उतार लेंगे, फिर ये देखिए दो फंदे उल्टे, ये दो फंदे उल्टे बुन लिए,
दो उल्टे दिख रहे थे तो दो उल्टे दिख भी लिए, एक फंदा सीधा, एक सीधा, फिर एक उल्टा, क्योंकि अब हमें यहाँ पे ये लूप बनाना है, इन तीन फंदों पे हमें लूप बनाने हैं। पहले हमने यहाँ बनाया था, अब हमें ये वाली छड़ी पे बनाने हैं। तो हमने पहला फंदा उतार लिया, दो उल्टे, एक सीधा, एक उल्टा, उसके बाद फिर ऊन आगे रहेगा और तीन फंदे हम बिना बुने उतार लेंगे, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, और ये चौथा वाला फंदा हम उल्टा बिनेंगे। देखिए ये हमारा एक लूप बन गया। फिर ऊन को हम पीछे करेंगे, एक सीधा, ऊन आगे करेंगे, एक उल्टा, और तीन बिना बुने फंदे उतारेंगे। इन बिना बुने फंदों में ऊन इसी डायरेक्शन में सिलाई घुसाएंगे, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, और ये चौथे वाला जो उल्टा फंदा है इसको हम बुन लेंगे। और फिर ऊन पीछे करेंगे, एक सीधा, एक उल्टा, एक उल्टा, फिर दूसरा उल्टा, और एक ये ऐसे। और फिर उसके बाद आठवीं रो जो होगी हमारी, पहला फंदा हम उतार लेंगे, ऊन आपका पीछे ही रहेगा, दो फंदे सीधे, देखिए दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, अब फिर तीन फंदे हम बिना बुने उतारेंगे। इन बिना बुने फंदों में ऊन आपका पीछे ही है, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, और ये चौथा जो सीधा वाला फंदा है इसको हम बुन लेंगे। फिर हम ऊन आगे करेंगे, एक उल्टा, एक सीधा, ऊन आपका पीछे ही रहेगा, सिलाई इस डायरेक्शन में घुसाएंगे और तीन बिना बुने फंदे उतारेंगे। इन बिना बुने फंदों में एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा, और चौथा वाला जो सीधा फंदा है उसे हम बुन लेंगे। फिर ऊन आगे करेंगे, एक उल्टा, और ये बाकी जो फंदे हमारे तीन बच रहे हैं इनको हम सीधा ही बुन देंगे। उधर भी हमने ऐसे बिने थे प्लेन, दो उल्टे और एक सीधा, तो इधर भी हम ये तीन फंदे सीधे बुन देंगे। ये ऐसे हो गया। अब नौवीं और दसवीं सिलाई जो है, जैसे हमने दूसरी और तीसरी सिलाई बनाई थी कि पहला फंदा उतार देंगे, दो फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, उसी तरह से सेम पैटर्न को हम रिपीट करते हुए आगे इस डिज़ाइन को कंटिन्यू करेंगे। ये डिज़ाइन देखिए ऐसी चेक चेक सी बनती है और बहुत ही प्यारी लगती है। देखिए अब इसमें जैसे इतनी दूरी ये गैप है, फिर यहाँ लूप है, फिर इसी तरह से ये यहाँ गैप है, फिर लूप है, तो ये चेक से ऐसे बनते जाते हैं। हाफ फुल पुलोवर पे आप डाल सकते हैं। आप ट्राई करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट देते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।